आ गया आ गया, हलवा वाला नहीं, माली मामा या फिर माली काका, जो भी कहें आप, माली काका आए, चलो माली काका ही रखते हैं। किसके? प्रीशा के माली काका। अरे रुद्राक्ष, उसने कितने रूप बदले प्रीशा की यादों के फूल खिलाने के लिए, इसलिए तो इस बार वो माली काका बने हैं। लेकिन क्या ये माली काका प्रीशा की यादों के फूल सच में खिला पाएंगे, उसकी याददाश्त वापस ला पाएंगे? मुश्किल है। करने वाला अगर इस तरीके से प्यार करेगा कि अपनी पत्नी को पाने के लिए वो कोई भी रूप धारण कर ले, फिर चाहे इसमें उसकी जान जोखिम में ही क्यों न पड़ जाए। अब रुद्राक्ष खुराना ये अच्छे से जानता है कि प्रीशा के घर अगर वो रूप बदल कर भी गया और पकड़ा गया ना, तो उसकी खैर नहीं है। इसके बावजूद वो आ गया है प्रीशा के घर माली बनकर। रुद्र अपना रूप बदल के आया है क्योंकि प्रीशा जब भी रुद्र को देखती है तो बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे फिट आने लगते हैं, क्योंकि प्रीशा की मेमोरी के साथ झोल किया गया है इसीलिए। तो रुद्र ने प्लान बनाया है कि वो किसी ऐसे नहीं तो किसी और तरह से प्रीशा के करीब जाएगा और उसे वापस उसका एहसास, उसकी सारी जो पुरानी यादें हैं, मेमोरीज हैं, वो वापस लाने की कोशिश करेगा और पता लगाएगा कि आखिरकार प्रीशा के साथ हुआ क्या। अब प्रीशा को पौधे लगाना बहुत पसंद है, न जाने ये वाला शौक प्रीशा को कब आ गया। खैर अब राइटर साहब ने लिखा है ना, तो फिर करना तो पड़ेगा। अब माली बनकर वो पौधों की देखभाल कैसे करेगा, इसकी प्रैक्टिस उसने अपने ही घर में की और उसके बाद प्रीशा के घर फेस बदल कर आ गया। मैं तो बड़े प्यार से हाथ साफ करवा रही थी, इसका मतलब पता तो नहीं चला अभी, बट हाँ ये रुद्र को बहुत अच्छा लग रहा था कि प्रीशा उसके इतने प्यार से हाथ साफ करवा रही, क्योंकि जब भी पिछले जितनी भी बार रुद्र और प्रीशा मिले हैं, हमेशा प्रीशा को गुस्सा आ जाता और दोनों के बीच में अच्छे चीज़ें नहीं होती हैं, इसीलिए तो रुद्र बहुत खुश है, लेकिन प्रीशा को नहीं पता, इसलिए प्रीशा भी खुश है। प्रीशा को तो जैसे ऐसा लगा कि भाई ये माली तो बहुत ही ज्यादा समझदार है, इसे पौधों की अच्छी खासी जानकारी है। लेकिन फिर वही हुआ जो होना चाहिए था, रुद्र खुराना की दाढ़ी ही निकल गई, जिससे प्रीशा ने उसे पहचान लिया और उसके बाद जो हुआ वो तो आप सबके सामने है। खैर रुद्र अब कोशिश करते रहेगा, भले ही वो हर कोशिश में फेल हो रहा है, लेकिन कभी न कभी तो पास भी होगा ना। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।